At least five people, including a PCR van driver, were severely injured after a speeding car rammed into a PCR van and several other vehicles in central Delhi's Rajpath late last night. The injured were immediately taken to a nearby hospital. According to witnesses, the accident took place around midnight and the driver immediately escaped after the accident. मैं अभी यहीं से आ रहा था, मैं पार्टी से जा रहा था। मैंने किसी को देखा यहाँ पर, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था इधर। मैंने अपनी बाइक यहाँ साइड में खड़ी करी और यहाँ से फिर एक गाड़ी आई, उसने बड़ी तेज की यहाँ पर पीसीआर में भी टक्कर मारी, मेरी गाड़ी में भी टक्कर मारी और चार पांच गाड़ी थी, बहुत तेज टक्कर मारी और ड्राइवर मारते के साथ ही भाग गया यहाँ से। मतलब दिखाई नहीं दिया किसी को भी कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गया। मतलब जिनको इंजरी हुई थी उनको तो लेके चले गए यहाँ से, और जो पीसीआर का जो था, जो ड्राइवर था, उसको भी चोट लगी है, बहुत तेज चोट लगी है उसको। मतलब इतनी तेज टक्कर मारी के सबों के ऊपर कांच के, मतलब की छीटा है बहुत तेज की, बहुत तेज छीटा है वहाँ पर, और सबों की गाड़ी में चोट लगी है वहाँ पर। मतलब ये कि अगर यहाँ पर, अगर इधर अगर रेड लाइट कुछ बना है तो यहाँ कुछ एरो बनाओ जिससे कि रेड लाइट आने का और जाने का सबों को सहारा मिलना चाहिए, एक किसी को कहाँ जाना किसी को कहाँ नहीं जाना। ये इस एरो पे हमेशा यहाँ आपसे नहीं, कम से कम 5 साल से 10 साल से यहाँ पर ये काम होते रहे हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर संसद भवन का ये जो रोड जो जाता है, इसे आज से 10 साल पहले भी यहाँ पर काफी सारे केस हुए और ये आज भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एरो नहीं दे रखा। यहाँ नाइट के टाइम एरो देना बड़ा जरूरी है। उन लोगों ने जिसने भी एक्सीडेंट करा है उन सबों ने ड्रिंक कर रखी है यहाँ पर, ये ड्रिंक के चक्कर में ही यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हुआ है। मैं मेरिडियन होटल से आके राजपथ के रास्ते से गुड़गांव की तरफ जा रहा था और राष्ट्रपति भवन की तरफ से होता हुआ मैं चाह रहा था कि गुड़गांव का रास्ता जो है वहाँ से साफ होता है वहाँ से चला जाऊँ मैं, लेकिन अचानक, और मैं बहुत स्लो था, बहुत संभल के चल रहा था, मैं ये भी देखते हुए चल रहा था कि ये लाइट यहाँ पे भी ब्लिंकर्स काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत संभल के चलना चाहिए और चारों तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है देखते हुए, तो मैंने गाड़ी यहाँ भी स्लो भी की। तब तक जो दूसरी तरफ से कार आ रही थी वो शायद एक ऑडी है जिसका कि आप लोगों ने देखा होगा जो हाल है, उसने मुझे टक्कर मारी, मेरी पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो दूसरे डायरेक्शन में घूम गई और मेरी गाड़ी नॉन ड्राइविंग साइड से पूरी तरह डैमेज हो गई। अगर ड्राइविंग साइड से लगती तो शायद मेरा और बुरा हाल होता, मैं शायद आप लोग से बात तो करने लायक होता भी नहीं। और उसके बाद उस गाड़ी ने मुझे, मेरी कार को टक्कर मारने के बाद उसने वहाँ जो PCR खड़ी थी, जो 3 मिनट पहले मुझसे टकराने के बाद जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसका लेखा जोखा ले रही थी, PCR को भी उसने टक्कर मारा। अब PCR भी कम से कम मेरे ख्याल से अपनी जगह से 3-4 फुट आगे जाके रुकी और उसके अंदर भी जो उन्होंने अपने जो सिस्टम्स लगा रखे हैं वायरलेस वगैरह का, वो भी छटक के डैशबोर्ड से नीचे गिर गया, इतना तगड़ा इम्पैक्ट था। और उस गाड़ी में जो ऑडी जिससे कि एक्सीडेंट हुआ है उसके भी एयर बैग्स वगैरह निकल गए और जब तक कि हम उसके पास पहुंच पाते ड्राइवर उसमें से निकल के भाग चुका था। ऑडी में कितने लोग थे कुछ पता नहीं क्योंकि सब भाग चुके थे, कोई नहीं था। और मैं इस वक्त उस होश में भी नहीं था कि मैं देख पाता क्योंकि बहुत देर तक मेरे समझ में आया कि मुझे क्या हुआ है, मैं कहां से आ रहा था। कितने बजे हुआ ये हादसा सर? मेरे ख्याल से लगभग 12 बज रहे होंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट कपिल फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर ANI।